नमस्कार, आप देख रहे हैं आर भट्ट न्यूज। खबर नालंदा से है। नालंदा जिला मुख्यालय बिहार शरीफ के अस्पताल चौराहे पर आज तीसरे दिन बिहार राज्य कार्यपालक सहायक सेवा संघ जिला इकाई नालंदा के बैनर तले नालंदा जिले में कार्यरत सभी विभागों के कार्यपालक सहायक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं, जिसके कारण जिले के संचालित सरकार की नई महत्वाकांक्षी योजनाओं तथा लोक सेवाओं के अधिकार सात निश्चय योजना आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत गोल्ड कार्य बनाना, आपूर्ति राशन कार्ड बनाना, खाद्य आपूर्ति, लोक शिकायत, इंदिरा आवास, लोहिया, स्वच्छता, कृषि रजिस्ट्री कार्यालय, होमगार्ड ऑफिस, निबंधन शाखा, निर्वाचन शाखा, पंचायत सहायक एवं समरणालय के सभी कार्यालयों इत्यादि का कार्य पूर्णतः बंद हो गया है। इस मौके पर उपस्थित जिला अध्यक्ष अमित राज ने बताया कि जब तक हम लोगों का लंबित 8 सूत्री मांगे सरकार पूरी नहीं करती है, तब तक हम लोग चरणबद्ध तरीके से अनिश्चितकालीन हड़ताल करते हुए आमरण अनशन भूख हड़ताल पर भी जाएंगे। ये कहना चाहता हूँ कि सरकार की जो ये नीति है, ये तोरी नीति जो हमें प्राइवेट संस्था से जोड़ने का प्रयास करती है, आप लोगों ने अपने मनोबल पर सभी कार्यपालक सहायक भाइयों का आज तीसरा दिन भी अनिश्चितकालीन स्ट्राइक जारी रहा है और तब तक जारी रहेगा जब तक सरकार हमारी वार्ता सफल नहीं हो जाती है। ऐसे परिस्थिति में हम लोग का जो मांग है वो उच्च स्तरीय कमेटी के द्वारा हम लोग की सेवा 60 वर्ष की गई है, संविदा को 60 वर्ष की सेवा दे दी गई है, उसके बाद जो है पुनः हम लोग को बेल्ट्रॉन के अंतर्गत जो है उर्मिला इंफोटेक कंपनी है उसके अधीन बेची जा रही है, जो कि निजीकरण का मुद्दा बनता है। ये पूरी तरीके से अन्याय है और इसका विरोध प्रदर्शन हम लोग कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे जब तक ये हम लोग की मांग पूरी नहीं होती। क्या नाम हुआ अपना? अमित राज, जिला अध्यक्ष।